here we go. I eat motivation in my breakfast, setbacks and failures in my lunch, and part of keeping up the grind in my dinner and a drink named the Motivational Punch. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आज चेकआउट है, तो अगर हम लेट उठे तो होटल वाले ही भगा देंगे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? ओके, सो अभी 10:30 हो चुके हैं और चेकआउट का टाइम हो गया, तो अभी बैग्स रेडी है, तो अभी हम निकल रहे हैं बिकॉज इट्स द लास्ट डे। शाम को 6 बजे बस हमारी चलेगी मुंबई की तरफ। उसके पहले हम देखेंगे अगर कुछ कर पाए इंटरेस्टिंग तो वो वी विल शो, और इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको इंटरेस्टिंग बना देंगे, है कि नहीं? ओके, देन मिलते हैं आगे क्या होगा दिन के साथ साथ। सो डे 5 की शुरुआत जो है लास्ट डे, तो इसमें कोई गम नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ कर लिया हमने, तो गम नहीं हो रहा है जाने का। तो ये पहली बार अच्छी चीज़ है कि हम लोग को, जैसे नॉर्मली क्या होता है जब हम जाते हैं कहीं से ट्रिप से घर, तो लगता है यार नहीं जाना है, बट अभी हमने वसूल कर लिया तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बैग यहाँ पे लोड कर दिया है स्कूटी पे, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मैकडी, क्योंकि यही अपना सहारा है बाजू में। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि शाम को 6 बजे है तो उसके पहले तक हमें क्या क्या करना है। तो आज का दिन मोस्टली चिल है, उसके बाद तो मुंबई पहुंचना है, तो चलिए। तो अभी ब्लॉग अपलोड करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट सोया था और नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सो जाओ उधर बेंच पे। अरे भाई नशा हो रहा है नींद का एकदम। होपफुली अभी कॉफ़ी शॉट लेंगे और फिर थोड़ा जागेंगे क्योंकि शाम तक बिताना है। मैं आज हार्डली 3 घंटे सोया हूँ भाई, मैं इधर ही गिर जाऊँगा क्या? ये इनको बोल रहा था यूट्यूब फैमिली यूट्यूब अरे वही बोलने, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं आधा टाइम में ऑर्डर करने में मुँह से वर्ड्स नहीं निकलते, इतना नींद आ रही। फक मैन, गिव मी हाई फाइव। यो ओ गिंदनी, धीरे धीरे हाई फाइव। व्हाट इज योर नेम? नाइस नेम। तो यहाँ पे हम जो आए थे फर्स्ट डे, आपने जो देखा होगा ये ब्लॉग जब मैंने आपको दिखाया था कि बाजू से हम आए हैं, सो द पेनल्टी बॉक्स स्पोर्ट्स बार एंड रेस्टो। सो अभी लास्ट डे हमारा यहाँ पर, तो मापसा में हम जाने वाले हैं, तो वहाँ से हमारा बोर्डिंग पॉइंट होगा। एंड यहाँ से कितने किलोमीटर है अर्जुन? कितना होगा? हाँ हाफ एन आवर है ना, सो यहाँ से हाफ एन आवर है, सो नो प्रॉब्लम। सो ये है, तो यहाँ पे आप आओगे फैमिली वाली फीलिंग आएगी आपको, यहाँ पे चिल कर सकते हो, वाईफाई है, सब कुछ है, सो दैट्स नाइस। या नाउ यू कैन स्पीक, या स्पीक लाउडर। दिस इज द पेनल्टी बॉक्स, प्लीज कम टू विजिट व्हेनेवर यू कम टू द कलंगो। ओह दैट्स नाइस, या ही स्पीक्स रियली वेल, सो प्लीज विजिट एंड मीट हिम, ही इज द सेलिब्रिटी। या व्हाट, अ क्वेश्चन कन्वर्सेशन, अ क्वेश्चन कन्वर्सेशन इज लाइक अ कन्वर्सेशन वेयर यू आस्क क्वेश्चन। Okay, so you want me to ask questions? Yeah, but okay. But on the count of 3, let's start, okay? Okay. 1, 2, 3. Okay. Okay, let's start. So, like, what is your favorite place in Goa? The Penalty Box. Where? Oh, that's nice. That's a great answer. The Penalty Box is your favorite place, like your own house. Yeah. And what? Come here, you are out of the frame. Yes, now tell. Yeah, in Kalangut, I like to come here only because on the first day I came here and then liked the place. When did you start your YouTube video? Okay, about my YouTube video, I've started like long back. How much years? It's been like 3 to 4 years I started my channel and I wasn't serious. So okay. Now from this year, from 2020, I've started making vlogs and funny videos. Okay. You also make videos, right? Yeah. Ah, that's nice. So I have seen your video, you speak really well, I like it. Yeah. And also, who edits your video? Some poor people not liking my video, but 30k people liking my video. Yeah, so there are always people who will dislike the video, but you have to stay motivated. Yeah, stay right? Motivated. Not everybody in the world will like, right? Yeah. Yeah, so that's nice. I ran out of questions now. Okay. Let's end it then. Okay, now, bye. बाय बाय। सो अभी बज रहे हैं 4 एंड 4 हो रहा ना? हाँ तो 4 बजे है हमारी जो, मैं फिर ट्रेन बोलने वाला था, तो हमारी जो बस का टाइम है दैट इज 6 जैसे मैंने बताया। तो वहाँ पे तो काफ़ी टाइम पास हो गया हमको, हम ये सोच रहे थे कि हम दोपहर को करेंगे क्या, तो बट दोपहर को हमने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पास किया और वो जो नया दोस्त बनाया हमने। हाँ यार कितना अच्छा, मतलब मेरे को अच्छा लगा उससे बात करके यार, मतलब
ग्रेट, मतलब काफ़ी स्मार्ट लड़का था तो मेरे को बड़ा मज़ा आया। तो वो हम टाइम पास करने के बाद सोचा कि थोड़े एक घंटा और बचा है, तो एक घंटा है तो लेट्स कम टू बागा। नहीं नहीं, बाल बनाना है साहब? नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम बागा बीच आए थे जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा होगा पिछले, बट दैट वॉज इन द नाइट। सो हमने सोचा कि चलो दिन में भी देख लेते कि क्या सीन होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो ये शैक्स है जो आपने देखे थे कि काफ़ी वाइब अच्छी है यहाँ की रात में, तो दिन के हिसाब से देखें तो ब्लू वाटर्स एंड वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दिन में जो हम गए थे दैट वॉज कैंडोलिम और बागा। यस, अच्छा है, अच्छा है। तो टाइम बचा था तो हमने कर लिया, वैसे तो यहाँ आने नहीं वाले थे बट देन हम यहीं हैं, यहीं से जाना है तो हम यहाँ आ गए। इतनी सी बात है, यहाँ पैरा सेलिंग की याद आ गई मेरे को, फिर से करना है पैरा सेलिंग, कोई फंड कर दो प्लीज़। Check the mic and make sure it sound right, boys. Now it's 6 in the evening और we are waiting for bus, boarding point पे खड़े हैं, hopefully अभी वो सुसु वाला कांड ना हो जाए। चलो see you। Yes, so this is the first break और शायद last break। हाँ। और dinner तो हम साथ में carry किया था, वो हम कर चुके हैं, early dinner हो गया, क्या time हो रहा है अभी? 8:30। यस, अभी 8:30 हुआ है तो डिनर तो हमने कर लिया था, मतलब ये डिनर समझो, अभी रात को खाने का तो मन करेगा नहीं, तो हम टाइम पास कर रहे हैं, उसके बाद फिर शायद ये रुकेगी भी नहीं। तो ये रिमेंबर सुसु, वो मेरे को अभी हॉन्ट कर रही है, दैट सुसु स्टोरी, क्योंकि रात होने वाली है और ये लास्ट स्टॉप है।